आज़न सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान के हवाले से तजावीज़ चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दी हैं। कप्तान के लिए साबिक कप्तान बाबर आजम का नाम भेजा गया है। ज़राए के मुताबिक मोहसिन नकवी जल्द कप्तान के हवाले से मुशावरत करके फैसला करेंगे। इसी पर बात करेंगे। अवैध सबासी हमारे साथ मौजूद हैं। जी अवैध, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए कप्तानी के हवाले से जो है चेयरमैन पीसीबी मोहसिन नकवी ने जो है सिलेक्शन कमेटी को इख्तियार दिया था कि वो कप्तानी के हवाले से फैसला करें, तो उसी अस्नाब में जो नई सिलेक्शन कमेटी है इसने जो है नाम की तजावीज चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दी है। कप्तान के लिए साबिक कप्तान बाबर आजम का नाम भेजा गया है। बाबर आजम को दोबारा कप्तानी सौंपने के हवाले से संजीदगी से गौर किया जा रहा है। जराये से यह कह रहे हैं सिलेक्शन कमेटी ने काम मुकम्मल करके जो है तजावीज चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दी हैं। चेयरमैन जल्द कप्तान के हवाले से मुशावरत करके फैसला करेंगे और सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान तब्दीली करने या ना करने के हवाले से जो है तफसीली तौर पर आगाह कर दिया था। हम जरा ये कह रहे हैं कि बाबर आजम एक बार फिर कप्तानी की दौड़ में आ गए हैं और सिलेक्शन कमेटी ने बाबर आजम का सही तजावीज भी बाकायदा तौर पर भिजवा दी गई हैं। अवैध सबासी, आप हमें आगाह कर रहे थे, आपका शुक्रिया। एक बार फिर से अपने नाज़रीन को बताते चलें कि सिलेक्शन कमेटी ने कप्तान के हवाले से तजावीज़ चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दी हैं और कप्तान के लिए साबिक कप्तान बाबर आजम का नाम भेजा गया है।